बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि पढ़े लिखे लोगों को दर दर के धक्के खाने को मिल रहे हैं। आज कुरुक्षेत्र जिले में हजारों की संख्या में आए हुए उन पढ़े लिखे नौजवानों से मुलाकात करने के बाद पता चला कि हरियाणा में क्लर्क की नौकरी के लिए लाखों की तादाद में नौजवानों ने फार्म भरे हुए हैं, परंतु केवल 4,858 क्लर्क की भर्तियां ही होनी है। इससे ही पता चलता है कि हरियाणा में बेरोजगारी किस मात्र पढ़े लिखे नौजवानों की नींद उड़ा रही है। पेपर देने आए विद्यार्थियों के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। बताइए आप सर कहां से आए हो? मैं पलवल से आया हूं। हमारा हरियाणा क्लर्क का एग्जाम था यहां आज का मॉर्निंग में, इसलिए हम कल शाम के चले हैं ट्रेन से। शाम 4 बजे की ट्रेन थी जिसने यहां रात को 11 बजे कुरुक्षेत्र पहुंचाया हमें। फिर यहां रहने में भी दिक्कत हुई है, आ तो गए हैं लेकिन फिर सुबह एग्जाम दिया है, क्या करें, बेरोजगारी इतनी है तो उसकी निजात के लिए यहाँ आना पड़ा। क्या करें, इतना कंपटीशन बढ़ा हुआ है इसमें कि आना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये उसी ज़िले में हो जिस ज़िले से बिलोंग करता है कैंडिडेट, लेकिन गवर्नमेंट के पास भी इसके लिए कि ये उस ज़िले में इतने स्कूल नहीं हो सकते कि जितने कैंडिडेट हों वहाँ, इसके लिए कुछ कैंडिडेट को भेजा भी जा सकता है, पर ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि दूसरे ज़िलों में ही डाला है सभी का सेंटर जो डाला है बहुत दूर दूर। हाँ जी, आप कहाँ से और अपने बारे में बताइए, यहाँ कैसे? हम जींद से हैं जी, हम बस के माध्यम से यहाँ आए हैं। हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन बेरोजगारी इतनी है कि 15 लाख लोगों ने फार्म भरा, उसके लिए हमें यहाँ आने की ज़रूरत है ताकि बेरोजगारी से निजात मिल सके। ये बताइए कि इतनी दूर से आने में कोई प्रॉब्लम तो हुई होगी? प्रॉब्लम तो होती सर, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार। यहाँ 15 लाख लोगों ने फार्म भरा है और उसके लिए क्लर्क की वैकेंसी हमारे यहाँ निकली हुई थी और उसके लिए हम एग्ज़ाम देने आए हैं यहाँ। आप रात को यहीं आए थे या आज आए हैं? आज हमारा मॉर्निंग को प्रथम सुबह ही आए हैं। और शाम को जाएंगे? हाँ, शाम को जाएंगे। शाम को कैसे, मतलब किस, आप किस माध्यम से आए हैं? हम बस के द्वारा आए हैं जी, बस के माध्यम से ही जाएंगे। तो आपका पेपर हो चुका है? हाँ जी, हो चुका। तो अब आप ऐसे कैसे यहाँ खड़े हो? सर, हमारे मित्र का पेपर है, उसका वेट कर रहे हैं हम। यानी इतनी दूर आने में प्रॉब्लम तो है? हाँ जी।